नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। तो रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निकायों में मिली जीत भाजपा के मिशन 2024 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बता दें कि 17 नगर निगमों में पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई। वहीं बता दें कि भाजपा की नई प्रदेश टीम का गठन हो चुका है। इस चुनाव में मिली बड़ी जीत ने भाजपा को नई ऊर्जा देने के साथ अपने विरोधियों पर दबाव भी बनाने का काम किया है। तो आपको बता दें कि मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है, जहां उन्हें अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। वही अब बीजेपी सरकार 2024 के मिशन में जुट चुकी है। बीजेपी 2024 के मिशन को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुट चुके हैं। तो विभांशु, अब नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब बीजेपी 2024 के मिशन में जुट चुकी है, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी अपनी ओर से कर रही है 2024 के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन की और उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 17 नगर निगम को अपने पाले में किया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं ध्वस्त करते हुए 17 सीटों को अपने पाले में किया। अगर बात की जाए 2017 चुनाव में, तो 2017 चुनाव के अंदर में उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे जिनपे 14 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था, वही बीएसपी के हाथों में 2 सीटें थी। मतलब इस चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी के अलग लहर चल रही, तमाम विरोधी दल के नेता बीजेपी को रोकने के लिए कई प्रयास किए, मगर पूरी तरह जो बीजेपी का मास्टर प्लान था वो सफलतापूर्वक जमीन पर काम किया, जिसका नतीजा है कि जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के पक्ष में आया। इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, और आपको बता दें कि अब इस सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं जीत हासिल करके और बीजेपी का हौसला कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बुलंद हो चुका है, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी पुरजोर मेहनत लगाकर और इस चुनाव को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए चुनौती होगा 2024 का चुनाव, क्योंकि बात करें तो लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो लोकल बॉडी पे कहीं ना कहीं बीजेपी नगर निगम के अंदर में, साथ ही साथ नगर पालिका, नगर पंचायत में अच्छी खासी तादाद में जो सीटें निकाली है, जिसका निश्चित तौर से प्रभाव 2024 के चुनाव नतीजों पे पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बताया कि अगर जी वैसे जैसे जहां कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, तो क्या क्या कुछ असर पड़ेगा 2024 में बीजेपी का इस पे? जी ऐसा अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा 11 स्टेट से होकर गुजरी, और कहीं ना कहीं इसका निश्चित तौर पर इसका इस यात्रा का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में अगर देखें तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और हाल ही में अगर बात की जाए तो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए जहां पूरी तरह से एक ऐतिहासिक बढ़त के साथ कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार बनाई है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से छोटी पार्टी बन के उभरी है, और उससे कहीं ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तपती, यानी कि कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए भी नजर आई है। कहीं ना कहीं चुनौती का विषय होगा कांग्रेस के लिए कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में देश के अंदर में कहीं ना कहीं 80 सीटें आती हैं, और 80 सीटों की अगर बात की जाए तो देखें तो उत्तर प्रदेश से ही कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी होती है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो कांग्रेस के लिए चुनौती होगा उत्तर प्रदेश में कि कैसे हम यहाँ से सीटें निकाल सके। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर देखे तो साउथ इंडिया और साथ ही साथ हिंदुस्तान के ताज, यानी कि पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली समेत तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में लगातार करते हुए नजर आ रही है, मगर राहुल गांधी की अगुवाई में जो भारत जोड़ो यात्रा, और चाहे बात की जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से
यूपी, बिहार और झारखंड से अलग थलग कांग्रेस पार्टी नजर आती है। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ती है, क्योंकि झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर में कांग्रेस पार्टी एक कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। तो क्या एक बेहतर समीकरण के साथ विपक्षी दलों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे 2024 का, वो आने वाला समय बताएगा। मगर निश्चित तौर पर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को सफलता के लिए कहीं ना कहीं एक पुरजोर मेहनत करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से स्थापित है और यहाँ की जनता का कहीं ना कहीं समर्थन की ही वजह से दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। जी जी जी। तो जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बूथों में भी डिजिटलीकरण करने की बात कह रही है 2024 के लिए, और भी कई तैयारियां हैं जिसमें वो जुटी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी 2014 में एक नया फार्मूला लाई थी, पन्ना प्रमुख और पर्चा प्रमुख, साथ ही साथ बूथ अध्यक्ष। ये बेहतर इसका परिणाम आया कि बूथ स्तर से कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने बूथ में तमाम जो वोटर्स होते हैं उनके जाकर विधाने का, सरकार की योजनाओं को बताने का काम किया करते थे। ठीक वैसे ही बीजेपी इस बार कुछ अलग प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि बात करें तो देश के अंदर में जितनी राजनीतिक दल है उसमें सबसे मजबूत आईटी सेल बीजेपी का इस वक्त माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक मुहिम भी कहीं चलाई जाएगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान दें और लोग ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को समझें। साथ ही अगर इस आपके सवाल पे लौटे तो बूथ के अंदर में हाईटेक के डिजिटल तरीके से वोटिंग पैटर्न को लेकर आने वाले दिनों में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसको तमाम नेता लेटर लिख के आग्रह कर सकते हैं कि बूथों के अंदर में कुछ हाईटेक व्यवस्था की जाए डिजिटली, जिससे वोटों की मतगणना और जो ईवीएम पे सवाल उठते हैं वो ना उठ सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2000 आपने देखा कि निकाय चुनाव के अंदर में नगर निगमों पे ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और कहीं ना कहीं विपक्ष ईवीएम को लेकर लगातार हमलावर होता रहा है। तो क्या चुनाव आयोग 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराता है या कोई नई पद्धति के तहत कराता है या बैलेट पेपर पे, वो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं देखे तो अब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गया है और अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि किन राजनीतिक दलों के द्वारा कौन कौन से वादों को किया जाता है 2024 की जनता, 2024 के चुनाव को लेकर जनता से, और कि जनता किस में विश्वास करती है, किसके तमाम बातों पर विश्वास जताती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर पूरी तरह से बात की जाए तो देश की राजनीति में जहां एक तरफ बीजेपी का गठबंधन नजर आता है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन आ जाता है। और वहीं अगर बात की जाए तो अब नई एक समीकरण देश के अंदर में देखने को मिल रही है, जहां ममता बनर्जी की अगुवाई में तीसरे मोर्चे के तहत अखिलेश यादव, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले दिनों में इस तीसरे मोर्चे का जो तमाम नेता है वो कांग्रेस से मिलते हैं या चुनाव में अलग तरीके से चुनावी मैदान में उतरते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा विभांशु, 2024 में जनता का क्या रुख रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुड़ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की तरफ से मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। वहीं बैठकें भी शुरू हो गई हैं 2024 की तैयारियों को लेकर। आपको बता दें इस चुनाव में मिली, नगर निकाय चुनाव में जो बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद से बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें 17 नगर निगमों में पहली बार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद से भाजपा की नई प्रदेश टीम का गठन हो चुका है। इस चुनाव में मिली बड़ी जीत ने भाजपा को नए प्रदेश देने के साथ अपने विरोधियों पर दबाव बनाने का भी काम किया है।
वहीं यूपी में हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक लू चलेगी, लोगों को झुलसा देने वाली धूप का सामना करना होगा। बता दें कि लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिन तक तापमान और बढ़ेगा। लखनऊ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। अगले 3 दिनों में कहीं पर भी कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी तापमान अगले तेजी से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार मौसम बार बार करवट बदल रहा है। जहां मई के पहले हफ्ते में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। दूसरे हफ्ते तक आते तापमान ने अब एक बार फिर से चढ़ना शुरू कर दिया है और यूपी में गर्मी की एंट्री हो चुकी है। हीट वेव की वजह से तापमान चढ़ सकता है। इसी के साथ कानपुर में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। वहीं मौसम खुशनुमा हो गया है। कानपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तापमान गिरने और प्री मानसून वर्षा और बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, कानपुर में इस समय मानसून दिखाई दे रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, क्या कुछ मौसम है वहां का? जी ईशा, हल्की बारिश होने के बाद जो है मौसम थोड़ा खुशनुमा टाइप को लग रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि लगभग 5 दिन जो है अभी जो बारिश है वो लगातार बारिश होती रहेगी और मौसम का जो अपडेट जो है वो उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा। पर समझने वाली बात ये है कि जो मौसम का उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो छोटे बच्चे जो हैं और जो डायबिटिक पेशेंट के जो मरीज है उनको लेकर पूरी तरीके से जो है जो घर वाले हैं वो सतर्क सावधानी बरते हैं सर। जी, तो मौसम विभाग की ओर से कब तक ऐसा मौसम रहने का, मतलब कब तक ऐसा मौसम रहेगा कानपुर में, कब तक तापमान में गिरावट देखी जा सकती है? जी ईशा, कि लगभग मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो आज लगभग दिन पर शाम 5 बजे के बाद सनराइजिंग का टाइमिंग थी और सनईस्ट की जो टाइमिंग है कि वो 6:15 बजे की है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बारिश ही थी, थोड़ा सा मौसम था, धूप निकल आई है, वही मौसम को उतार चढ़ाव को लेकर काफी जो बीमारियां हैं जिससे डायरिया हुई और इसका जो सर्दी जुकाम हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम स्वास्थ्य विभाग जो उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि जो सावधानी है स्वयं बरते और घरेलू उपचार के लिए जरूरत हो तो घर से बच्चों को बाहर निकलने दे, वरना बच्चों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जी, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्मी को लेकर क्या अलर्ट दिया गया है? स्वास्थ्य विभाग से अलर्ट जारी किया गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट है और जो देखा जाए कहीं ना कहीं उनको डायरिया का लक्षण या जुकाम आने से जो लक्षण हो रहा है वो घरेलू उपचार के लिए सावधानी बरतने से घर पर निकले, जरूरत का टाइम हो तो बाहर निकले, वरना जरूरत कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम को उतार चढ़ाव से सबसे पहले डायरिया की बीमारी फैलती है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद उपेंद्र। के साथ गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी गई है लखनऊ में, वहीं कानपुर में झमाझम बारिश हो रही है इस समय। वहीं कुछ समय तक मौसम विभाग द्वारा मौसम में गिरावट बताई जा रही है कानपुर में, आपको बता दें। वहीं दूसरी ओर कानपुर में लू चलने का अलर्ट है। जैसा कि आपको बता दें, कानपुर में जहां मानसून करवट बदल रहा है, वहीं लखनऊ में लू चल रही है। आपको बता दें, गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, लू चलने के साथ गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी जा रही है। कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। आपको बता दें, जहां यूपी में लू देखने को मिली, वहीं कानपुर में बूंदाबांदी हो रही है। आपको बता दें, प्रदेश के सभी जिलों में लू और भारी गर्मी का अलर्ट है। आपको बता दें, वहीं कानपुर में बारिश देखी जा रही है। यूपी में हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक लू चलेंगी, लोगों को झुलसा देने वाली धूप का सामना करना होगा। बता दें कि लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिन तक तापमान और बढ़ेगा। लखनऊ का तापमान लगभग 40 डिग्री पार कर जाएगा।
गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी अगले 3 दिनों तक। कहीं पर कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी तापमान अगली तेजी से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार मौसम बार बार करवट बदल रहा है। जहां मई के पहले महीने में बारिश हुई, वहीं तापमान के गिरने को देखने को मिला, वहीं ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया है। दूसरे हफ्ते तक आते तापमान ने अब एक बार फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। यूपी में गर्मी की एंट्री हो चुकी है, वहीं हीट वेव की वजह से तापमान चढ़ सकता है। इसी के साथ कानपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं कानपुर में मौसम का मिजाज अलग है। कानपुर में जहाँ बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, वहीं लखनऊ में लू देखने को मिल रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, लखनऊ में क्या कुछ मिजाज है मौसम का? ईशा, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि 7 दिन तक लू चलेगी, वही जो है कड़ी धूप के साथ भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप बता दें, सोमवार को आज सुबह जो देखा जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि आज हल्के काले बादल छाए हुए दिख रहे हैं, और ये हल्के काले बादल का कारण भी हो सकता है कि बांग्लादेश से जो टकराए चक्रवाती तूफान मोचा का जो असर दिख रहा है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं दिख रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो लू का असर दिख रहा है। तो ये जो इस बार भीषण गर्मी जो दिख रही है, तो आपको बता दें कि गर्मी का जो मौसम भी होता है मई से जून जुलाई तक, जो कि काफी भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 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 हमको जो सुकून भी मिल रहा है, जैसे कि कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। आप देख सकती हैं कानपुर में भी बूंदाबांदी हो रहा है, वही आपको बता दें लखनऊ में भी इस बार काले बादल छाए दिख रहे हैं सोमवार को। तो राहत तो है, लेकिन उसके साथ साथ लू का भी जो असर दिखेगा उससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। तो इसके लिए जो मौसम विभाग है वो अनुमान लगा रहा है कि ये जो गर्मी और जो लू है वो 7 दिन तक चलेगी, वही जो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है वो 3 दिन तक रहेगी। और आपको बता 20 से जो मौसम में थोड़ा सा जो तापमान गिर सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार जो गर्मी है वो काफी हद तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको बता दें कि बांग्लादेश से टकरा जो चक्रवाती तूफान का मोर्चा का असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है और काले बादल भी छा सकते हैं। जी ईशा जी, तो मौसम विभाग ने कब तक का अलर्ट दिया है कि कितने दिनों तक लखनऊ में लू चल सकती है, कितने दिनों तक जो लखनऊ वासी हैं उन्हें लू का सामना करना पड़ेगा? जी सबको बता दें कि मौसम विभाग के साफ तौर पर कहना है कि 7 दिन तक लू चलेगी और वही 3 दिन तक भीतर गर्मी भी रह सकता है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है। वही आपको बता दें कि आज बूंदाबांदी के साथ काले घने बादल भी छाए हुए हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग साफ तौर पर अलर्ट कर रहा है कि हमें इसे बचाव करना चाहिए, और वही लू से अगर हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट किया है और सभी हॉस्पिटलों में इसके लिए देखरेख के भी काफी इंतजाम किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद सुहानी। हमारी खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।